नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टू यूजर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी दो अगर आप यूजर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूजर बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इन दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर वाला कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है यानी ओरिजिनल, इस पर आपको कर देना है क्लिक। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे आना है जो आपका स्टार्ट बटन होता है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और स्टार्ट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इमेज का यहाँ पे दिखेगा, आपको इस वाले इमेज पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है मैनेज अनदर अकाउंट, आपको मैनेजर अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके जितने अकाउंट बने रहेंगे आपके सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, आपको क्या करना है कि नॉर्मल क्रिएट न्यू अकाउंट पे कर देना है क्लिक। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है न्यू अकाउंट नेम, यानी आप जो यूजर बनाना चाहते हैं यानी जो आप अकाउंट बनाना चाहते हैं इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नेम टाइप कर लेते हैं, और नेम टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं स्टैंडर्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको फुल कंट्रोलर मिलेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड यूजर कर देंगे तो इसका फुल कंट्रोलर नहीं मिलता है। लेकिन हमें हमेशा स्टैंडर्ड यूजर बनाना चाहिए जिसमें हम काम कर सकें। तो इसके बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड यूजर पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे कर देना है क्लिक। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उस यूजर नेम से यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इससे अगर कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, जैसे इसका फोटो चेंज करना चाहते हैं या नाम चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है चेंज द अकाउंट नेम, क्रिएट अ पासवर्ड, चेंज द पिक्चर, अगर आप फोटो इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मैनेजर अनदर अकाउंट जो भी आपके ये सारे यूजर बने हैं यहाँ से एक बार फिर से बैक कर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर को बना सकते हैं। चलिए अगर आप किसी यूजर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिलीट द अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं कि अगर आपकी कोई भी फाइल रहेगी, अगर आप यूजर को डिलीट करेंगे तो आपका पूरा जितना फाइल वगैरह है सारा डिलीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम बैक आते हैं और इसे ये देखिए जो नया वाला क्रिएट किए हैं, अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दे भी रहा है कि आपके जितने फाइल वगैरह है सारे यहाँ से डिलीट फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिलीट फाइल पे क्लिक करेंगे और डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट बना रहेगा इजी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी दिक्कत लगेगी आपको यूजर बनाने में तो आप हमें नीचे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे आपको टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।